हाउ आर यू मामा एंड किड्स फैमिली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आज हम आपको कुछ नया बताएंगे। ये हमारा वैसे ब्लॉग चैनल है और मैं इसमें मंडे टू फ्राइडे ब्लॉग करते हैं और सैटरडे संडे को स्पेशल सेशन होता है जिसमें हेयर केयर ब्यूटी से जुड़ी चीज़ें मैं आपको आगे से बताऊँगी। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैंने एक वीडियो कटिंग की वीडियो पहले भी डाली थी जो काफ़ी अच्छी लगी है आप सभी को, उसके लिए धन्यवाद। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये मेरा हेयर कट है ये मैंने खुद किया है, अपने घर पर किया है। आप भी अपना हेयर कट खुद अपने घर पर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना है छोटा सा काम, आपको अपने हेयर कट करने हैं। तो आप अपने हेयर कट करने के लिए रेडी हैं तो आगे बढ़ा जाए। तो ये वाले हेयर कट करने के लिए, अगर आपके लॉन्ग हेयर कट करना चाहते हैं, लॉन्ग हेयर हैं, आप उन्हें शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, अच्छा लगता है। हमारी चीज़ें हम अपने आप से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको आगे कट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कैसा हेयर कट है। तो ये मैंने खुद ही किया है, अपने घर पर किया है, आप भी कर सकते हैं। पहले तो मैं लॉन्ग थी, मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि आपको करना कैसे है, फिर आप अपने आप से कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक सीजर, शार्प होनी चाहिए, मेक श्योर, और कुछ रबर बैंड, तकरीबन 4 रबर बैंड हमको चाहिए। तो शुरू करें। सबसे पहले अच्छे से आप अपने हेयर को ऐसे कोम कर लीजिए। कोम करने के बाद अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिएगा। मेरे बाल तो ऑलरेडी मैंने कट कर लिए, तो जब मैंने ये सोचा नहीं था, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती। अब हम इनको ऐसे करके टप नोट बांध, इसको टाई कर लेंगे एकदम टाइट ऐसे। दोनों को टाई कर लीजिए दोनों तरफ से, दोनों सेक्शन, जो सेक्शन हमने बनाए हैं उनको हम एक रबड़ की हेल्प से ऐसे टाई कर लेंगे। ये 2 सेक्शन हमारे टाई हो गए। अब हम जितना छोटा हमको रखना है उस हिसाब से हम इसको टाई करेंगे। जैसे आपको कितना शॉर्ट हेयर चाहिए वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितने शॉर्ट हेयर चाहिए, तो ऐसे करके हम इसको टाई कर लेंगे। मेक श्योर ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये देखिए मैंने इसे ये टाई कर लिया है। टाई करने के बाद इसको जहाँ से आपको कट करना है वहाँ से आप सीजर की हेल्प से, और हमेशा ये देखिए रबर बैंड के ऊपर से इसको कट कीजिएगा, ऐसे रबर बैंड को ऐसे ऊपर से कट करना है। इस तरीके से आप ऐसे कट कर लीजिए दोनों साइड से, ऐसे कर इसको कट कर लीजिए। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कट किए हुए हैं। तो आप ऐसे कट करेंगे, फिर आप दोनों को खोल के देख लीजिए। मैंने अभी अभी किए थे तो मैं सिर्फ आपको जनरली बता रही हूँ, आप करके देखिएगा फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके हेयर कैसे हैं। एकदम बढ़िया हेयर कट हो जाता है, घर पर ही आराम से आप हेयर कट कर सकते हो अपना। मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ, देखिए बहुत अच्छे कट हो गए। आप ऐसे कट कर लीजिए
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे हेयर लगे, और अपने कट करके मुझे ज़रूर बताएगा, आपके ज़रूर अच्छे कट होंगे, आई एम डैम श्योर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और संडे को मैं बहुत आगे ग्रूमिंग वाली, यानी कि फेस पर ग्लो कैसे लाएं, वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।